हेलो हेलो हेलो, अब आ गए, पहले ही आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, आपका 156 क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है? ईडियम बताना है। इस ईडियम का मतलब बताना है, जो टार एंड फेदर समवन में बता दूं, टार एंड फेदर का वैसे मतलब होता है किसी के चिथड़े चिथड़े कर देना। आपने हिंदी में डेफिनेटली सुना होगा, इसका मीनिंग बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आई एम गेटिंग आंसर्स हियर। मनीष ने बोला था सी। वेलकम दिव्या, गुरुदा, सॉरी धर्मेंद्र, मनीष, वेलकम एवरीवन, गुड आफ्टरनून, निकिता, प्रिया, बताइए। जल्दी से बताएंगे, जो टार एंड फेदर का मतलब होता है किसी को कड़ी से कड़ी सजा देना कि बेचारे के चितड़े उड़ जाएं, इसका मतलब होता है टार एंड फेदर समवन। जो इस बार का एमटीएस आया था उसमें ये आया था, और ये ऐसा नहीं है कि एमटीएस से लिया है, लिया था, बट चेक करने पे आई गॉट टू नो कि ये इस बार कैंपियस में भी आया था। टू टार एंड फेदर समवन का मतलब होता है किसी के चिथड़े चिथड़े कर देना, किसी को बहुत सीवियर पनिशमेंट देना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, एंड हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 157 एंड 8। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। एक मीटिंग, बिजनेस मीटिंग, उसमें कुछ चीजें आपने लिख करके तैयार करी हैं, एक लिस्ट तैयार करी है कि ये हमें डिस्कस करना है इस मीटिंग में। उस लिस्ट को क्या कहते हैं? एजेंडा, एक्सर्प्ट्स, मीटिंग्स, शेड्यूल, एंड लास्ट वन इज अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशन। बेसिकली पूछ रहा है जो भजन होता है ना, भजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताइए। गुड आफ्टरनून विजय, वेलकम टू द क्लास। क्वेश्चन नंबर 157 एंड 8। आंसर आया मनीष का 157 का ए, किसका, रोहित 158 का सी, बाकी 157 का सी, दिव्या 157 का ए, प्रिया 157 ए, मनीष 158 का सी, प्रोबेबल ओके, निकिता ए। चलिए देखते हैं, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही, किसी भी काम को करने के ऑब्जर्वेशन चलते हैं, जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग, कार्यवाही। शेड्यूल का मतलब तो ही होता है कि 2 बजे ये काम होगा, 8 बजे ये होगा, 12 बजे। एक्सर्प्ट्स का मतलब होता है सेक्शन, अंश, पार्ट, किसी भी चीज के सेक्शंस, पार्ट्स, उसको कहते हैं एक्सर्प्ट्स। अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, बहुत सारे वो है, सेक्शन है, भाग है, उनको इस नाम से लिखा हुआ। और एजेंडा, इस मीटिंग का एजेंडा क्या, एजेंडा का मोटिव, क्यों, क्या डिस्कस करना है हमें, क्या एजेंडा है इस मीटिंग का, क्यों बैठे हैं हम ये बैठक लेके, एजेंडा। नेक्स्ट है ओड। ओड का मतलब होता है कोई एक पोयम जो लिविंग और नॉन लिविंग किसी के भी प्रेज में लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं, आप इसको देख देख के इसकी तारीफ कर रही हूँ, देखो कितनी सुंदर निप है, इसका जो ब्लैक कलर है ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी, वट एवर। तो जो भी आप किसी भी चीज के प्रेस में लिखते हो, प्रेस पोयम, अ प्रेस पोयम, राइट। लिरिक का मतलब होता है शब्द, जो पोयम में, सॉन्ग में आप शब्द यूज करते हो उसको कहते हैं लिरिक। बैलेट का मतलब होता है सोनेट, ये भी एक पोयम ही होती है, 14 लाइन की पंक्तियां, 14 पंक्तियां होती है उसकी, एक पोयम होती है, उसको बैलेट कहते हैं। हाइम बोलते हैं इसको, हाइम की हिंदी होती है भजन। If you don't know the Hindi meaning, please note it down. Hymn की हिंदी होती है भजन। एक बार अपना जो मोबाइल है उसकी वॉल्यूम फुल कर लो। स्टिल आपको प्रॉब्लम आती है तो बताइए, I'll get it checked. Customer having many wives, ये मतलब मेरे हिसाब से, I would say कि examiner का favorite बन चुका है, कभी किसी के एक से ज्यादा husband करवा देता है, कभी किसी की एक से ज्यादा वाइफ करवा देगा, कभी एक से ज्यादा शादी करा देगा, लेकिन तीनों में से एक काम कराएगा जरूर, पूछेगा, बताओ बाइगैमी, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, मैट्रिमोनी। वंस स्कूल क्लासेस फ्रीक्वेंटली, बेसिकली आप क्लास बंक करते हो ना, तो स्कूल का एक ऐसा लड़का या लड़की, व्हाटएवर, फ्रीक्वेंट क्लासेस बंक करता है, उसको क्या कहेंगे?
सी, बाई का मतलब होता है दो, गैम का मतलब होता है मैरिज, पहले भी बताया, इन्हीं को कहते हैं रूट वर्ड्स। कल से मैं आपको रूट वर्ड्स करवाने वाली हूँ, जिससे आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद करने में मदद मिलेगी बहुत ज्यादा, उसमें यही चीजें सीखेंगे। जिस भी शब्द में बाई आ गया वो दो की बात करेगा, जिस भी शब्द में गैम आ गया वो शादी की बात करेगा। कितनी शादियां, ये तो कह रहा है कि कई हैं, कई में दो भी आती है और दो से ज्यादा भी। मोनो का मतलब होता है वन, गैम का मतलब मैरिज, कितनी शादी। मैट्रिमोनी होता है रिलेटेड टू मैरिज, जो मैरिज का कल्चर है, ठीक है, उस सबको मैट्रिमोनी कहते हैं। पॉली, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। चलिए अब ये क्या होता है बताओ, 160। हाँ तो ए बी सी डी, देखो सबसे पहले डिफीटिस्ट का मतलब बता दूं, इस एक ऐसा पर्सन जो बहुत पेसिमिस्ट है, उसको ऐसा लगता है मैं तो हमेशा हार ही जाऊंगा, मेरे बस का तो कुछ है नहीं, उसको कहते हैं डिफीटिस्ट, जो मन में ही हार मान, डिफीट से बना है ना, जिसने ही अपने हार मान ली कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में, उसको कहते हैं डिफीटिस्ट। उसके बाद साइकोपैन की हिंदी होती है चापलूस, जो फ्लैटरिंग करता रहे। मार्टिनेट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है हर चीज को लेके, वेरी डिसिप्लिन, जैसे हमारे डिफेंस में लोग होते हैं, इसको कहते हैं आवारा भगोड़ा, ठीक है, आवारा या भगोड़ा ट्रूएंट होगा, वेरी गुड। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया। मधुमक्खी रखते हैं, क्या कहते हैं, एपियरी मोल हाइव सेंचुरी, इजी है बताओ। सबसे पहले मैं बताऊं, आपने सुना है बर्ड सेंचुरी, वहां पे बर्ड सेंचुरी है, तो एनिमल्स या बर्ड्स के लिए, रेप्टाइल्स के लिए, पशु पक्षियों के लिए ऐसा स्थान बना देना गवर्नमेंट की साइड से जहां पे हंटिंग, शिकार अलाउड नहीं है, वहां पे पशुओं को पाला जाता है लेकिन शिकार अलाउड नहीं है, जंगल में और इसमें यही फर्क होता है बस, वेयर हंटिंग इज नॉट अलाउड। अच्छा मोल क्या होता है, आपके बॉडी पे जो मस हो जाते हैं ना, मस, मस को कहते हैं, जो तिल होता है उसको भी मोल कहते हैं, बट ये एनिमल्स की वाला क्वेश्चन है ना, तो मोल जो छछुंदर नहीं होता, जो छछुंदर होता है तो मोल कहते हैं। हाइव होता है मधुमक्खियों का छत्ता, और जहां, अच्छा एपियरी का मतलब, अब तुम बोलोगे मैम मधुमक्खी छत्ते में रहे, हाइव क्यों नहीं हुआ आंसर, ध्यान से समझ लीजिए दोनों वर्ड्स का डिफरेंस, ये वो खुद बनाती है, यहाँ पे उनका पालन किया जाता है ताकि उनसे शहद निकलवाया जा सके, इसलिए ये आंसर होगा। To send one about swan's business, इस idiom का मीनिंग बताइए, न्यू है तो लिखेंगे। सुनील वर्मा वेलकम टू द क्लास। जल्दी से देखेंगे बताइए। ओके रोहित सिंह डी, हरदीप सिंह डी, आंसर तो सबको देना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग तो तुमने भेज दिया और कहा किसी को जा तू अपना काम कर, तुमने किसी को भेजा एक तो दूर, कहा तू जा तुम अपना काम करो, तुम्हें अपने बिजनेस से लेना देना होना चाहिए, दैट मीन्स तुम किसी को दूर, बहुत ही रूड वे, जैसे मूवीज में देखते हो ना घर से निकाल देते हैं, तो प्यार से तो निकालेंगे नहीं, धक्के मार के ही निकालते हैं, तो ये होता है टू सेंड समवन अवे इन अ रूडली मैनर। क्वेश्चन नंबर 163 व्हेन आई रिफ्यूज हिज रिक्वेस्ट फॉर अ लोन ही वाज पुट आउट, जब मैंने उसकी लोन की रिक्वेस्ट को, LOAN, आई एम सो सॉरी,
जब मैंने उसकी लोन की रिक्वेस्ट के लिए मना कर दिया ना, आउट हो गया, मतलब वो गिर गया, वो रोने लग गया, उसने मुझे धमकी दी या वो नाराज हो गया, क्या होगा? रोके तो करेगा क्या? लिखो आंसर. अनॉयड, नाराज हो जाना, दुखी हो जाना, बुरा मान जाना. ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं ना कि बुरा मान के दिल पे ले लेते हैं, वही है ये. पुट आउट का मीनिंग तो ये कैंसल. हाँ, एक इसका मीनिंग बुझाना भी होता है, एक बुझाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा ना बुझाना. 164, I met him after a long time, but he gave me the cold shoulder. एक तो मैं उससे इतने टाइम बाद मिला, भी उसने मेरे को क्या दे दिया? Cold shoulder दे दिया. तो एक तो तुम तो सज धज के टशन में गए हो, है ना? और तुम्हारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई, तुमको क्या मिल गया? Cold shoulder. सामने वाले या वाले ने साफ साफ इग्नोर कर दिया तुम्हारी इतनी महंगी ड्रेस, 5,000 का परफ्यूम, 200 रुपए के गुल, कुछ काम नहीं आए. सामने वाले ने तुम्हें क्या कर दिया? इग्नोर. लिख लो. मैं वापस बता दूं, idioms, phrases और वन वर्ड की नेवर एंडिंग लिस्ट अवेलेबल है. इतनी बड़ी बड़ी पीडीएफ अवेलेबल है, हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भी, गूगल पे भी, पीडीएफ में भी. मैंने केवल 200 सिलेक्ट किए हैं बहुत चूज करके. 200 जरूर लिखना और याद करना. फर्स्ट, पावरफुल पब्लिक स्पीच. पब्लिक में बहुत बढ़िया स्पीच देता है, लाइक मोदी जी. द रिजल्ट ऑफ ए मैच तो आपको पता ही, ऑफ ए मैच इन विद नीदर पार्टी विंस. ये आपका किसमें आया था? आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आया था, और ये आपका HSSC के किसी एग्जाम में आया था. आई फॉरगॉट क्या एग्जाम था वो, मैं भूल गई किसका. ओके, इट्स डीजे सौरभ, वेलकम टू द क्लास, गुड आफ्टरनून. अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, वर्ड्स नए हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना आपकी इच्छा. पैनेसिया का मतलब होता है राम बाण दवा. क्या है वो? पैरासिटामोल. ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ. A child who has no parents. दुखी. Orator, वक्ता. जो बोलता बहुत बढ़िया है. Option number C. And I would suggest you, अगर कुछ भी नहीं भी हो रहा ना जिंदगी में, अपनी communication skill बहुत बढ़िया कर लो. Communication क्या है? चाहे आप हिंदी में बोलो, चाहे आप बोलो, आप fluently बोलो, बिना रुके, बिना अटके. दूसरी चीज, जो कॉमन मुद्दे हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप कहीं पे बैठे हो, बात कर रहे हो, तो प्रभाव पड़ेगा. दूसरा, कोशिश ये करो, इस तरीके से बात करो कि सामने वाला आपकी बात से एग्री करना शुरू कर दे. उसको कहते हैं परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल. इसका आंसर तो सबको पता है. क्या बताना है? बताइए. विधवा पीटीएस होता है, दयनीय, जैसे कहते हैं ना, वो बहुत ही दयनीय अवस्था में है. पॉलीग्लॉट का मतलब लैंग्वेज, पॉली का मतलब मोर देन वन, बताया था, जिसको एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलनी, लिखनी, पढ़नी आती हैं, दैट पर्सन इज नोन एज पॉली. लिख लीजिए, कुछ लिखना है तो. नेक्स्ट, 167 एंड 8, बॉर्न अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस. अभी आया था. अ वॉइस लाउड इनफ टू बी हर्ड. मैं जब सॉल्व करवा रही हूँ तो आपको इजी लगेंगे, क्योंकि मैं सबकी हिंदी बता रही हूँ, आपको हिंट दे रही हूँ. पेपर में यही क्वेश्चन टफ लगता है, दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज नेसेसरी. किसका? ओके, तो आई एम गेटिंग आंसर्स हियर. 167 का सी, प्रिया, दिव्या सी, सौरभ ए, प्रिया ए, मनीष ए, प्रिया सी, दिव्या सी. किसका भाई? लिंग्विस्टिक, जिसको एक लैंग्वेज आती हो. मोनो, जिसको एक लैंग्वेज आती हो. बाई,
जिसको दो आती हो, पॉली जिसको एक से. अगर आपको रूट वर्ड होते हो, आप भी नहीं पढ़ा हुआ अपनी जिंदगी में ये, लेकिन आपने रूट पढ़ रखे हैं. रूट वर्ड्स पढ़ते ही देखोगे कि मोनो एक की बात करेगा, बायलैंग्वल दो की बात करेगा, बाई है ना, बाई दो. कंफ्यूज होते तो भी इसमें होते, लेकिन हमने क्या पढ़ रखे थे, रूट वर्ड्स. रूट वर्ड्स में हमने पढ़ा पॉली कितने की बात करता है, मोर देन वन की. हो जाता है आंसर. अब लॉडेबल और अपलॉडेबल दोनों का मीनिंग सेम है. जब आप किसी की बहुत प्रशंसा करते हो, बहुत तारीफ करते हो, उसको कहते हैं लॉडेबल या कोई भी ऐसी चीज जो प्रेज वर्दी है, प्रशंसा के काबिल है. जैसे मैं कहूं योर परफॉर्मेंस इज लॉडेबल, यानी कि आपकी आपकी जो परफॉर्मेंस है तारीफ के काबिल. ओरल इज रिलेटेड टू माउथ. जब भी पेस्ट का एड आता है ना, तो वहां पे वर्ड कॉमन ओरल प्रॉब्लम्स. कभी सुनना ध्यान, जब भी आप किसी टूथपेस्ट का एड देखो ना, हमेशा वो एक वर्ड बोलेंगे ओरल प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर माउथ. होगा नहीं है तो ऑडिबल. ऑडिबल तो आसानी से सुनाई दे दिया जाए. He did me a good turn by recommending for the post of vice principal. उसने मुझे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए रिकमेंड किया कमेटी के सामने. तो इससे उसने क्या किया, डिड मी अ गुड टर्न. जल्दी करूंगी मनीष, डोंट वरी, नेक्स्ट वीक से लगा लो. आप मेंस बोल रहे हो ना, जल्दी करूंगी, डोंट वरी. ओके अगर आप किसी के लिए गुड टर्न करते हो, मतलब आपने एक एक्ट ऑफ काइंडनेस किया है टू हेल्प और बेनिफिट समवन. आपने किसी की मदद करी है, उसको कहते हैं डिड अ गुड टर्न. लिख लेना, नहीं पता तो डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस. लिखोगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी. ये सब मैंने उसमें करवाए भी नहीं थे ऑफलाइन क्लासेस में, तो जितने ऑफलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट है ये नोट कर लेना, ये नहीं लिखवाए हुए मैंने. 170 हैविंग पावर टू डिस्ट्रॉय जर्म्स, कोई ऐसी चीज जिससे जर्म्स खत्म हो जाते हैं, वेरी इजी. अच्छा बीमार होने पे एंटीबायोटिक्स लेते हो, जर्म्स खत्म करता है, इन्फेक्शन खत्म करता है ना वो. तो फिर रूट वर्ड आया भाई, साइड मतलब किलिंग. कोई भी वर्ड अपने आखिर में अगर साइड लेता है तो वो हत्या की बात करेगा. न्यूरोटिक होते हैं रिलेटेड टू योर नर्व्स. इन्फेक्शन पता है, एंटीबायोटिक्स पता है. नेक्स्ट, ही रिजाइन द पोस्ट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड. उसने ऑन अकॉर्ड से पोस्ट को रिजाइन, पोस्ट से रिजाइन कर दिया. बताइए ये मीनिंग होते हैं अकॉर्ड के. तो उसने अपनी इच्छा से किया. अब तुम्हें लगेगा ये कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा. वॉलंटरली अपनी इच्छा से, विलिंगली अपनी इच्छा से. लिख लो भैया, नहीं पता नोट करो. ये सब नहीं कर रहा है मैंने ऑफलाइन क्लासेस में, और करवाऊंगी भी नहीं. नोट करो कि
में क्या है, कन्वीनियंस वर्ड है. कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, सुविधा देखते हुए. मन तुम्हारा कहीं और कोचिंग लेने का है, समझा तो रही हूँ, सुनो तो सही. मन तुम्हारा, तुम्हारी इच्छा है कि मैं यहाँ कोचिंग लूँ, समझ, तेरी इच्छा है कि मैं यहाँ कोचिंग लूँ क्योंकि मेरे पास पैसे कम है, मैं यहाँ फीस कम है, ठीक है. लेकिन तूने देखा कि सुविधा मुझे किसी और जगह मिल रही है. बहुत सारे ऐसे लोग नहीं होते जो सुविधाओं के चक्कर में घर शिफ्ट कर लेते हैं, चाहे इच्छा ना हो उनकी उस लोकेलिटी में रहने की, समझो दोनों में डिफरेंस, हंसो मत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डकैत, पहले तो बताओ डकैत क्या होता है. डकैत, डकैत ने मर्डर कर दिया इन कोल्ड ब्लड. हाँ डाकू, डकैत, उसने एक मैन का मर्डर किया कोल्ड ब्लड. इजी है, फटाफट कर दो. ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लाइकिंग द सेशन, आई रियली अप्रिशिएट दिस. देखो कोल्डली का मतलब होता है ठंडा. अब ठंडा ठंडा मर्डर कैसे करता है कोई. मोल्डली का मतलब होता है बहादुरी से. डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के. रथलेसली, कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बहुत ही निर्दयता से, बहुत ही हिंसक रूप से, वायलेंट, विद फुल वायलेंस. रथलेसली लिख लो, यही आता है जनरली ऑप्शंस में, हमेशा रथलेसली ही मिलेगा आपको. क्वेश्चन नंबर 173, ही इज रिगार्डेड एज मैनेजर्स राइट हैंड मैन. बताओ राइट हैंड मैन का मतलब. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173. मनीषी सिंह सी, हरदीप सिंह सी, प्रिया सी, सौरभ सी, अमन बी, विजय सी, रोहित सी, सी. देखो राइट हैंड मैन का मतलब होता है सबसे काम का आदमी. जैसे कई बार आप नहीं कहते ऑफिस में, आपके पेरेंट्स या आपके फादर आपको कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा दायां हाथ है. दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा काम, ऐसा इंसान जो आपकी एब्सेंस में सारा काम संभाल सकता है, मोस्ट एफिशिएंट. Whenever I meet him, he pulls a long face. बात मत करो. जब भी मैं उससे मिलता हूँ वो एक लॉन्ग फेस बना लेता है. क्या कर लेता है, खुश हो जाता है, गुस्सा हो जा सकता है, उदास दिखता है, क्या करता है वो. तुम्हारे कई ऐसे सखी सखा डेफिनेटली होंगे, जैसे तुम उससे मिलोगे उनका मुंह बन जाता है. होते हैं ना, कई रिश्तेदार होते हैं ऐसे, गलती से तुमसे मिल लिए उनका मुंह बन जाएगा. चीयरफुल कोई खुश नहीं होता फ्रेंड्स के अलावा, क्या चीयरफुल. हाँ फुल से मुंह लटका लेना, फुल से लॉन्ग फेस की हिंदी एक्चुअल में मुंह लटका लेना. हिंदी बता देती तो कर लेते ना मुंह, ठीक है. चलिए नेक्स्ट 175, लेट्स लिसन टू हिम. आओ उसे सुनते हैं. Him seems to be having something up his sleeves. ऐसा लगता है कि उसकी sleeves में यहाँ कुछ है. तो इस idiom का क्या मतलब हुआ? Okay. Okay. Rohit and Hardeep are saying B. प्रिया भी, लोकेश भी, मनीष भी, सौरभ डी, सबका गलत है यार. उसकी स्लीव्स में अगर यहां कुछ है तो आपको दिख रहा है. जब आपको दिख ही नहीं रहा तो आप कैसे कह सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, कैसे कह सकते हो कुछ
प्रॉफिटेबल होगा, कैसे कह सकते हो, कुछ बहुत बड़ा आइडिया होगा, कुछ सीक्रेट है, इतना पता है वो अच्छा है बुरा है कैसा है हमें नहीं पता, समथिंग अप हिज स्लीव्स, क्या ऐसा जरूरी थोड़ी ना, ये किसने बोल दिया कुछ भी, ये बताइए। अब मैं ये छोड़ देना एक सेकेंड, ये बताओ एक ऐसा इंसेक्ट जो बहुत सारे अंडे दे सकता है, वर्टिब्रेट मैमल सेंटीपीड हर्बीवोरस, जो बहुत सारे अंडे दे सकता है, बताओ भाई। वर्टिब्रेट इज रिलेटेड टू हड्डी बोन्स, सेंटीपीड का मतलब होता है जिसके बहुत सारे पैर हों जैसे कान खजूरा, हर्बीवोरस एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा एनिमल जो केवल वेज खाता है, मैमल, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो, मैमल का मतलब एनीबडी हु कैन फीड हर चाइल्ड, जो अपने बच्चे को फीड कर सकती है सबको मैमल कहते हैं। We should give a wide berth to bad characters. Berth क्या होती है पता है? Trains में berth होती है ना, जो seat होती है उसको क्या कहते हैं? Berth कहते हैं। तो हमें bad characters को wide berth देनी चाहिए, क्या करना चाहिए उनके साथ? No money, centipeded कान खजूरा, वो तो वो होता है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, who has many legs. भैया नया है तो नोट कर लो, बार बार सोच सोच के बोल रही हूँ। अच्छा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 178, क्विक आंसर। तो आई एम गेटिंग आंसर्स हियर, डीजे सौरभ सी, हरदीप सी, नाम बताओ भूल गई मैं, योगेश सी, रोहित सी, अमन, नो स्किप, लोकेश, चूज कर, जो बुरे चरित्र वाले लोग हैं उनको तुम क्या करोगे, कुछ लोगों का कैरेक्टर बैड है तुम उनको, ठीक है, उनको पब्लिकली उनकी निंदा करोगे, उनसे सहानुभूति रखोगे, उनसे दूर रहोगे ना, उनको तुमने चोड़े वाली दूसरी बर्थ दे दी, जाओ वहां बैठ जाओ मेरे पास मत आना, ऐसे लगा सकते हो मीनिंग। ओके, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वन्स फादर और एंसेस्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो पिता से या पूर्वजों से विरासत में प्रॉपर्टी मिली है उसको क्या कहते हैं, पैट्रिमोनी, ऑर्थोडॉक्स, इनहेरिटेंस, बोरोर, इसकी स्पेलिंग देख लेना भाई। उसके बाद है द आइडिया इज कैपेबल ऑफ बींग एग्जीक्यूटेड, एक कोई ऐसा आइडिया जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपना सकते हो, लागू कर सकते हो। ओके लेट्स सी, ठीक है देखते हैं, ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी विचारों का, पुराने विचारों का, जो खुद को टाइम के साथ अपडेट नहीं करते लोग उनको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। किस में बता दो, ऐसा जरूरी नहीं है कोई 80 साल का जो बूढ़ा होगा उसको ही ऑर्थोडॉक्स कहेंगे, नो, अगर वो टाइम के साथ बदल चुका है ही इज नो मोर ऑर्थोडॉक्स, बट तुम हो 15 साल के, फॉलो कर रहे हो 50 साल पुरानी चीजें, 50 साल पुराने विश्वास, रीति रिवाज, अंधविश्वास, देन यू आर एन ऑर्थोडॉक्स, मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। बोरोड का मतलब होता है उधार लिया हुआ, ये दोनों वर्ड सुनो ध्यान से, दोनों का मतलब विरासत ही होती है, दोनों का मतलब क्या होती है, विरासत होती है,
ये तो भाई किसी की भी विरासत हो सकती है। ये पड़ोस में एक अंकल रहते थे, अकेले ही थे, जब मरे सब काम कर गए। तो कहूंगी क्या मैं, इनहेरिटेंस। लेकिन जो चीजें विरासत में मुझे मेरे पिता से मिलती हैं, उसको पैट्रिमोनी आप कैसे कर पाते हैं? आप फिर वही घूम फिर के रूट वर्ड पैट्री, पैट्री इज रिलेटेड टू। ये चीजें जिस दिन ध्यान देने लगोगे, वो कैब कम याद करनी पड़ेगी, नंबर ज्यादा आएंगे। जैसे मैंने, जब पिता कोई अपने पिता की किलिंग कर देता है, उसको क्या कहते हैं, तुम तीनों बात कर रहे हो तो खड़े होके जाओ क्लास। जब कोई अपने पिता की हत्या कर देता है, उसको क्या कहते हैं, पैट्री। वही पैट्री, पैट्री रिलेटेड टू फादर। उसके बाद ये तो कुछ होगा नहीं, ये तो दिख ही रहा है। The material is incapable of being burnt, जो जले ना, inflammable, incombustible, invincible, combustible। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा well versed है, बताओ। सौरभ, ए और सी में क्या था, दोनों की हिंदी विरासत है। जब विरासत, किसी और की विरासत भी आपको मिल जाए, उसको कहते हैं inheritance। लेकिन अगर आपको विरासत अपने पिता की मिलती है, या अपने पूर्वजों का कुछ रखा हुआ विरासत में मिलता है, तब उसको पैट्रिमोनी कहते हैं, देखो कंबस्टिबल जो जल जाए, इनफ्लेमेबल या फ्लेमेबल दोनों का मतलब जो जल जाए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग ये सोचते हैं फ्लेमेबल वो होता है जो जल जाता है इजीली, इनफ्लेमेबल भी वही होता है जो इजीली जल जाए, ऐसा नहीं। इन लगा के ऑपोजिट नहीं बनता इसका। इनविंसिबल जो कभी ना हारे अजय, बचा क्या, इनकम्बस्टिबल, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बहुत लोगों ने इनफ्लेमेबल सोचा होगा, वो भी वही होता है जो जल जाता है, ज्वलनशील। ये क्या कह रहा है, जो ज्वलनशील ना, इसलिए इनकम्बस्टिबल। उसके बाद वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। ये एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है एक ऐसा पर्सन है जिसको किसी सब्जेक्ट की, किसी कला की बड़ी नॉलेज है, जरूरी नहीं है उसको एक्सपीरियंस हो। उसको कहते हैं कॉनेसर, पारखी, स्पेलिंग एरर में आया है। फिलिस्टाइन आपका होता है अशिक्षित, इंटेंटे भी रिलेटेड टू एक्सपीरियंस ही है। नेक्स्ट देखो 183, ही इज इजीली डिसीव्ड बाय मैन विद एन ऑयली टंग। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, चलना, ठगना। अगर एक ऑयली टंग वाला आदमी आ गया तो उसको आराम से बेवकूफ बना के निकल जाएगा। तो ऑयली टंग का मतलब क्या होता है, बताओ। 182 का बी, डी, ए, ओके, चापलूस, जो तुम्हारे तारीफ कर करके सारा काम करवा रहे तुमसे। अरे दीदी आप ही तो हो, आप ही को तो सब आता है, हम तो कैसे कर लेंगे कुछ भी। तो ये वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, एक तो इनसे बच के रहना। फ्लटरिंग वर्ड्स 184, वी शैल बी फॉर्मिडेबल इफ वी स्टैंड बाय वन अनदर। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है अजय, हमें कोई नहीं हरा सकेगा अगर हम स्टैंड बाय वन अनदर हो जाए। तो इजी है यार ये तो।
क्या आ रहा है आंसर? बिल्कुल दिख रहा है, ये तो साफ साफ सपोर्ट कर रहे। नेक्स्ट देखो, द रिबेल्स, रिबेल्स का मतलब होता है विद्रोही। द रिबेल्स हेल्ड आउट फॉर अबाउट ए मंथ, जो रिबेल्स थे, जो विद्रोही थे, वो एक महीने तक उन्होंने हेल्ड आउट किया। क्या किया? अब है तोमर, वेलकम टू द क्लास। बोलो बी, वेटेड का मतलब होता है इंतजार करना, रिट्रीटेड का मतलब होता है पीछे हटना, टू गो बैक। क्या वो एक महीने तक पीछे हटते रहे? बार्गेन का मतलब तो पता ही है, बार्गेनिंग, रेजिस्टेड, एक जगह पे डटे रहना, रुके रहना, रेजिस्ट करना, अपनी बात पे अड़ जाना, रेजिस्ट करना। तो वो एक महीने तक जो विद्रोही थे वो डटे रहे, उसको कहते हैं रेजिस्ट करना। नेक्स्ट देखो, पानीकर इज वन ऑफ द फ्यू ऑफिसर्स हु आर अबव बोर्ड। जितने भी ऑफिसर्स हैं, पानीकर उनमें से एक ऐसा ऑफिसर है जो अबव बोर्ड है। करवाया है ये मैंने, ये गलत मत करना, करवाया है। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट। अबव बोर्ड ये सेकंड या थर्ड ईडियम ही होता है जो मैं मेरी क्लासेस में लिखवाती हूँ। अबव बोर्ड या फेयर एंड स्क्वेयर, उसका मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखो बाकी का, नहीं नहीं ये तो कंप्लीट करवाऊंगी। द टीचर वॉन्ट द स्टूडेंट वंस एंड फॉर ऑल दैट नो मिस्चीफ शैल बी टॉलरेटेड इन द क्लास। ये तो हम बोलते हैं ना वंस एंड फॉर ऑल, अब ये हो गया, देखेंगे। ये तो मुझे हाँ सौरभ, आप तीन चार बार ये वीडियो अगर एक बार देख लोगे आपको तो भी हेल्प मिलेगी, अदरवाइज इसकी पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है सीएल करियर एकेडमी का, ये पूरे 200 की पीडीएफ मैं आज उस पर अपलोड कर दूंगी, तो आप चेक जरूर कर ले। स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ, एक ऐसा आदमी है भाई वो खुद की बात करता रहता है, जैसे है ना वो आत्माराम तुकाराम भिड़े हमारे जमाने में, खुद को उसको बस खुद से लेना देना है, वैसे वाला आदमी। और इसमें से कौन सी ऐसी मेडिसिन ब्रांच है जो बच्चों के और उनके डिजीज से रिलेटेड? ओके देखते हैं, क्या नहीं बताया अब है? मेरा ऑफलाइन बैच अब है लगता है सीएल करियर एकेडमी में, अगर आपको ज्वाइन करना है स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। ये देखो भाई, एक भी वोकल का मतलब होता है गोलमोल कर दी तुमने बात, समझ में नहीं आया कुछ। हिपोक्रेट, ये सी और आएगा, इसका मतलब होता है पाखंडी,
मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा है नहीं लेकिन बन के बहुत दिखा रहा है. हिपोक्रेट, इगोइज्म, सेल्फिश, इगोटिज्म, ये भी जी है. इगोटिज्म का मतलब होता है जिसको केवल खुद की पड़ी है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं. फिजिशियन तो होगा नहीं. ऑर्थो रिलेटेड टू बोन्स, ये याद कर लो. ऐसे पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री, पेडियाट्रिक्स. 190, एक ऐसी डिजीज जिसमें आपके दिमाग में अनकंट्रोलेबल डिजायर हो जाए चुराने की. चाहिए पूरे दिन में तुम किसी का एक पेन का ढक्कन ही क्यों ना चुराओ, लेकिन तुम ऐसे लगे यार आज कुछ चुराया नहीं, कुछ तो चुराना है. जुनून सवार हो जाए. बता दूं, मैनिया, मैनिया, मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, जुनून. वैसे तो ये सब कल कराऊंगी मैं एक एक करके. फोबिया, फोबिया का मतलब होता है फियर. रेनिया का मतलब होता है डिजीज. क्लॉस्ट्रोफोबिया किसका डर है? फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस. जब आप छोटी छोटी जगह, बंद गुफा, छोटी जगह जहां सारी स्पेसेस बंद है, वहां पे जाने से डर हो, क्लॉस्ट्रोफोबिया. मैग्लोमेनिया, बहुत सारे ऐसे लोग नहीं होते जिनको भाई नई नई पावर मिली है और उनका भूत सवार है अपनी पावर का, उसको कहते हैं ऑब्सेशन ऑफ पावर, अपने बल का जुनून. डिजीज है ये, एक मेंटल डिजीज होती है. इसमें आप रियल में, रियल लाइफ में और इमेजिनरी लाइफ में फर्क नहीं कर पाते हो. एक मेंटल डिजीज है, आपको भ्रम होता रहता है, हेलुसिनेशंस होती रहती. क्लैप्टोमेनिया, चोरी करने की लत जिसको लग जाए उसको कहते हैं क्लैप्टोमेनिया. लास्ट के दो चार क्वेश्चन और हैं. नो आइडिया, वो होते हैं बेवकूफी. कोई बीमारी तो है ही नहीं ना, वो हो गए बेवकूफी, उसके बाद बीमारी लग जाती है. देखो द कास्टिंग वोट ऑफ द चिल्ड्रन, कास्टिंग का मतलब होता है फाइनल. चेयरमैन ने अपना फाइनल वोट डाला और इशू को क्लिंच कर दिया. इशू को ये बहुत आता है भाई, पेपर में बहुत आता है ये क्लिंच द इशू. क्लिंच का मतलब होता है भाई खत्म हो गया अब काम, लिख लेना फटाफट. It was such a messy affair, but Manish somehow managed to wash his hands off the entire affair. गड़बड़ तो बहुत फैली हुई थी, बड़ा रायता सा फैल गया था, लेकिन जैसे तैसे मनीष बहुत कमाल का बंदा निकला. उसने क्या करा, जो सारा वहां पे माल मसाला बिखरा पड़ा था ना, उससे अपना पल्ला झाड़ लिया. उसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से आप अपना, आपने अपना पल्ला झाड़ लिया तो आपने क्या किया, डिस्क्लेम. क्लेम का मतलब दावा करना, हाँ जी मैंने किया डिस्क्लेम. नहीं नहीं, मैं तो था ही नहीं, मैं तो था ही नहीं उस टाइम जब ये हुआ, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लेम कर. आगे कीजिए. वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस. साइनिक, ईगोइस्ट बताया था, सेल्फिश, स्टोइक होता है सन, फैटलिस्ट, कट्टर, साइनिक. He threw cold water over the project that the secretary had prepared. बेचारे सेक्रेटरी ने दिन रात मेहनत करके एक प्रोजेक्ट बनाया, तुम्हारे पास लेके आया, तुमने उस पर ठंडा पानी फेंक दिया, तो तुमने क्या किया? तो मेरे पास ऐसे लिख करके लेके आया, मैंने सीधा उस पर ठंडा पानी फेंक दिया, तो मैंने क्या कर दिया, तुम्हें डिस्करेज कर दिया. ये कमी, वो रिजेक्ट नहीं किया तुम्हें, और डिस्करेज. ये क्या लिख करके लाए हो, ये कौन पढ़ेगा ऐसे. He is at loggerheads, very important idiom. He is at loggerheads with his assistants about the management of the concern. किसी के साथ loggerhead पे होने का मतलब क्या होता है? किसी से आप loggerhead पे हो तो आप उनकी बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हो, और कोई चांसेस भी नहीं है दूर दूर तक कि आप सहमत हो जाओगे. उसको कहते हैं डिफरिंग स्ट्रांगली. जैसे तुम्हारे पापा ने बहुत बड़ी रिश्ता देखा लेकिन है वो गांव में, तुम कह रहे हो मैं कहीं भी शादी कर लूंगा, मैं नहीं कर रहा वहां, समझ गए? उसको कहते हैं तो तुम अपने पिता के साथ क्या हो गए, एट लो. ठीक है, ऐसे याद करो ना लाइफ से जोड़ जोड़ के, तो बहुत ईजी हो जाता है, कुछ भी नहीं है फिर इनमें.
तो बहुत सारे हो गए, चलो देख लो। वेरी प्लीजिंग टू ईट, जो जो खाने में यार बड़ा ऐसा स्वाद लगे। एपेटाइजिंग वो होता है जिसको देख के भूख बढ़े, जो खाने में टेस्टी लगे, दिखने में टेस्टी लगे, प्लेटेबल। इनके सबके मीनिंग मैं पीडीएफ में डाल दूंगी, अब आंसर देख लूं। वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स, एक ऐसा बंदा है जिसमें बहुत सारे टैलेंट हैं, वर्सेटाइल। स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, एक ऐसी स्टेट जिसमें वो थोड़े से लोग बहुत लोगों पे राज करते हैं। अली का कारची मोनो का मतलब वन, ऑटो का मतलब वन, प्लूटो जो आपके अमीर तबके के लोग होते हैं ना उनका राज्य। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल, बेसिकली सठिया जाना को इंग्लिश में क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे। वेरी गुड, लास्ट और देखते हैं आज का 200। चूंकि ये पैट एन आर्म्स लेंथ, लास्ट यहाँ आपकी खत्म पीडीएफ पूरी। इस ईडीएम का मतलब बोलो, किसी को एक बांह की दूरी पर रखना, किसी को एक बांह की दूरी पर रखना। अच्छा, किसी को एक बांह की दूरी पर रखने का मतलब हो यार अगर डी कर दोगे टू अवॉइड कमिंग इन, को अवॉइड कैसे कर सकते हो, ऐसे चलते चलते भिड़ गए फिर, ऐसा थोड़ी ना होता है, टू कीप वेरी नियर। चलिए जी, आपकी 200 idioms in one word की सीरीज से जो आज खत्म हुई है, इसकी पीडीएफ विद आंसर्स आपको आज हमारे टेलीग्राम चैनल पे थोड़ी देर में मिल जाएगी। सेकंड चीज, कल से क्लासेस जरूर अटेंड करें, आपको एंटोनिम्स और सैनोनिम्स याद करने में बहुत दिक्कत आती है, मैं आपकी काम को 50% तक कम करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। तो मेक श्योर कल और उसके बाद की क्लासेस जरूर अटेंड करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।